तो देश के कई राज्य इस वक्त कोरोना की चपेट में हैं। पंजाब भी कोरोना की भयंकर मार झेल रहा है। अब तक पंजाब में कोरोना के जो आंकड़े हैं उस पर अंकुश लगता दिखाई दे रहा था, लेकिन महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब से लौटे जो श्रद्धालुओं की वजह से पंजाब में अचानक से कोरोना का विस्फोट हो गया। पूरे पंजाब में अब तक 613 मामले सामने आ चुके हैं और इसमें से 180 से ज्यादा मरीज नांदेड़ साहिब से ही लौटे श्रद्धालु हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जब इन लोगों को नांदेड़ से पंजाब भेजा जाया था उस वक्त इन लोगों में कोरोना के कोई भी किसी तरह के लक्षण नहीं मिले थे, लेकिन पंजाब में इनमें से कई श्रद्धालु पॉजिटिव पाए गए। आखिर कैसे हुआ ये कोरोना विस्फोट और इन श्रद्धालुओं को लाने में कहां हुई सरकार और प्रशासन से गलती, इस रिपोर्ट में देखिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महाराष्ट्र के सीएम और अधिकारियों से बात कर श्रद्धालुओं को बस से लाने का प्रबंध किया। जो श्रद्धालु से गए हजूर साहब नांदेड़ तो वापस आए ने, और कोटा च जड़े साडे बंदे अपने कोर्सेज वगैरह कर रहे ने उथे उतो आए ने। हुण इन्हां नूं असीं सारिआं नूं उन्हां दी टेस्टिंग करैक्ट कीती है बॉर्डर दे उपर, और जिहड़े पॉजिटिव निकले ने सरकारी क्वारंटीन दे विच असीं उन्हां नूं पा दित्ता है, और जिहड़े दूजे ने नैगेटिव भी ने उन्हां नूं भी असीं हाले उन्हां नूं अपने क्वारंटीन दे विच रख्या जदों ताईं ओह असीं टेस्ट करा के उन्हां नूं क्लीयर नहीं करदे। नांदेड़ के हुजूर साहिब से 3 दिन का सफर तय कर तमाम श्रद्धालु बस से पंजाब पहुंचे। पंजाब पहुंचने पर सभी श्रद्धालुओं का कोरोना टेस्ट किया गया, और जैसे ही इन श्रद्धालुओं के रिपोर्ट आने शुरू हुए प्रशासन से लेकर सरकार तक में हड़कंप मच गया। अब तक 180 श्रद्धालुओं के रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुके हैं। गुरुवार को पंजाब में पहली बार कोरोना के 162 नए केस सामने आए, जिसमें से 145 मरीज हुजूर साहिब से लौटे श्रद्धालु हैं, जबकि अभी हजारों श्रद्धालुओं का रिपोर्ट आना बाकी है। इन श्रद्धालुओं की वजह से पंजाब के दर्जनों जिलों में कोरोना पहुंच गया है। बोर्ड की ऑब्जर्वेशन में थे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, उनका फर्ज बनता था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है उनको बकायदा इम्प्लीमेंट करते, उसी हिसाब के साथ उनका बकायदा वहाँ सैम्पलिंग टेस्ट सब कुछ होना चाहिए था। तो स्क्रीनिंग के बाद हमारे को अब वो बंदे हैंड ओवर करते, तो हम 2 टीमें पहले वहाँ भेज देते, तो 2 टीमें जाके वहाँ पे उनको सेग्रीनेट कर लेती भी कौन सिम्टम वाले हैं कौन विदाउट सिम्टम है, तो उनको हम सेपरेट बस में लेके आते जहाँ पे। अब जरा समझिए कि आखिर सरकार और प्रशासन से गलती कहां हुई। गलती नंबर 1, श्रद्धालु सुरक्षित वापस लौटे इसके लिए कोई ठोस प्लान नहीं बनाया गया था। गलती नंबर 2, पंजाब लौटने वाले श्रद्धालु वाया इंदौर आए जो इस समय कोरोना का गढ़ बना हुआ है। गलती नंबर 3, श्रद्धालु रास्ते में किसी संक्रमण की चपेट में ना आए इसके लिए कोई रणनीति नहीं बनाई गई थी। गलती नंबर 4, कई श्रद्धालु प्राइवेट गाड़ी लेकर चल पड़े जिस पर रोक नहीं लगाई गई। गलती नंबर 5, पंजाब आने वाले श्रद्धालुओं का बकायदा टेस्ट क्यों नहीं किया गया, सिर्फ खाना पूर्ति करने के बाद ही अधिकारियों ने सभी को अपने अपने घर क्यों भेज दिया। पंजाब में नांदेड़ साहब से आए हुए श्रद्धालुओं के कारण हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई है। अधिकारियों के हाथ पांव फूल रहे हैं क्योंकि लगातार ही कोरोना संक्रमण के मामले श्रद्धालुओं के बढ़ते चले जा रहे हैं, और सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी ये बात पता लगाने में जुटा हुआ है कि ये संक्रमण का शिकार क्या हजूर साहब में हुए या रास्ते में आते हुए। ये तमाम गलतियां इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में इन लोगों का 3-3 बार टेस्ट किया गया और हर बार इनके रिपोर्ट निगेटिव आए। ऐसे में पंजाब आते ही पॉजिटिव कैसे हो गए। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी इस पर बड़ा सवाल उठाया है। ते पंजाब आउंदियां जिहड़ा एक कोरोना पॉजिटिव किवें हो गए, यह बड़ा वड्डा जिहड़ा है एक मन च सवाल जिहड़ा उह सारिआं दे अंदर पैदा हो रहा है। हालांकि महाराष्ट्र प्रशासन की माने तो वहां कोई गलती नहीं हुई। नांदेड़ के हुजूर साहिब से पंजाब के लिए जो श्रद्धालु निकले थे उन सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई थी, किसी में भी कोई लक्षण नहीं पाए गए थे, लिहाजा इसलिए किसी की कोरोना जांच नहीं की गई। ये जो श्रद्धालु पंजाब के लिए जाने वाले थे इनकी थर्मल टेस्टिंग की गई, साथ में किसी को बुखार या सर्दी खांसी है या इसकी भी जांच की गई, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। अब हुजूर साहब के जो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी है उनका ये कहना है कि जहां से
नांदेड़ से जब ये जत्था पंजाब के लिए रवाना हुआ तब सभी सेहतमंद थे। बताया ये जाता है कि ये इंदौर के रास्ते पंजाब गए थे, शायद वही रास्ते में किसी के संपर्क में आने से ही ये शायद संक्रमित हो चुके हैं। फिलहाल वहां पर जो हुजूर साहब है वहां पर इनके संपर्क में आने वाले वहां के 400 जो कर्मचारी है अधिकारी है उनकी फिलहाल आज कोरोना जांच की गई है और बताया जाता है कि अगले 48 घंटे में उनकी रिपोर्ट भी आएगी। बता दें कि तरन तारन के कुछ श्रद्धालु बीमार होने शुरू हुए तो उनके टेस्ट किए गए और जब उनके टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाए गए तो राज्य सरकार के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में नांदेड़ से लौटे श्रद्धालुओं को क्वारंटीन सेंटर पहुंचाने के लिए कॉल किए जाने लगे और अब जब कई सारे श्रद्धालुओं के रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं तो सरकार की परेशानी बढ़ गई है। परेशानी इसलिए भी क्योंकि तमाम श्रद्धालु अपने अपने गांव पहुंच गए हैं, वे वहां कितने लोगों से मिले इसका अंदाजा लगा पाना अभी मुश्किल है। बहरहाल ऐसे में अब देखना होगा कि नांदेड़ साहिब से लौटे सभी श्रद्धालुओं के टेस्ट रिपोर्ट जब आ जाते हैं तब पंजाब में कोरोना के आंकड़ों में कितना इजाफा होता है। चंडीगढ़ से विशाल एंग्रीश और नांदेड़ से विनोद जगदाले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24।